व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनडी क्रिएटर में। मैं हूं आपका अपना अनिल और आज हम सीखने वाले हैं स्पायरोग्राफिक टेक्निक से एक बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं इलस्ट्रेटर में। वैसे तो आप सभी ने स्पायरोग्राफिक बचपन में ट्राई जरूर किया होगा। कुछ इस तरीके का दिखता है स्पायरोग्राफिक जो टूल से हम ड्रॉ करते थे पहले, वही चीज मैं आज इलस्ट्रेटर में आपको बताने वाला हूं। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है विड्थ में 1920, हाइट में 1080 और अब मैं एम प्रेस करके रेक्टेंगल टूल से एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 1920 बाई 1080 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ सेम आर्टबोर्ड के साइज का। तो यहाँ पे इसे सेंटर अलाइन कर लेते एकदम। अब इसका जो स्ट्रोक कलर है वो नन करेंगे और जो फील कलर है उसे कुछ हमें ब्लू में 24 देना है। तो यहाँ पे ये 24 ब्लू कलर मैंने दे दिया, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। अब सीधा चलते हैं लेयर्स में और इसे लॉक कर लेते हैं ताकि मैं इस पर कुछ भी क्रिएट करूँ तो ये लेना। तो अभी लेते हैं हम इलिप्स। इलिप्स से मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ 790 बाय 790। तो इसे हम ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ सर्कल क्रिएट हो चुका है। तो अब ये फील कलर जो बैकग्राउंड का फील कलर है वही कलर दिखा रहा है क्योंकि वो पहले सिलेक्ट किया हुआ था। तो अब हम इसके फील कलर को नन करेंगे और स्ट्रोक को वाइट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रोक कलर वाइट हो चुका है, इसका स्ट्रोक वेट 1 पॉइंट ही रखना। तो यहाँ पे इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इफेक्ट में, डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो ये ऐसा कुछ पैनल ओपन हो जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे तो ये एक स्पायरोग्राफिक क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये मूव्स में हम 40 रखते हैं पिक्सल्स और वर्टिकल में भी 40 पिक्सल्स रखते हैं। उस हिसाब से एंगल है वो 42 डिग्री में हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कॉपीज जो है वो हम नंबर वाइज में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का स्पायरोग्राफिक क्रिएट होता नजर आएगा। तो हम इंक्रीज करेंगे जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाए। तो देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 59 कॉपीज क्रिएट कर लिए। तो ये हमारा स्पायरोग्राफिक रेडी हो चुका है। तो इसे हम ओके कर लेते हैं। तो अभी मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और अपने इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट इन प्लेस कर लेता हूँ। तो अभी हम इसको रिपीटेडली बड़ा करते रहेंगे जब तक बैकग्राउंड फिल ना होता है। तो यहाँ पे इसे मैं जो ट्रांसफॉर्म है उसमें जाकर मैं उसका साइज इंक्रीज करूँगा प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइज इंक्रीज होगा। तो कुछ हमने एक साइज इंक्रीज कर लिया, तो इसे सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट इन प्लेस। तो रिपीटेडली ऐसे ही करता जाना है हमें। फिर से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट इन प्लेस। तो इसे यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये हो गया एक कॉपी और फिर से पेस्ट इन प्लेस। तो यहाँ पे ये हमारा एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया स्पायरोग्राफिक। तो इसको हम कुछ कलर से फिल करेंगे। तो इसे हम पहले फर्स्ट सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसे एक्सपांड अपीयरेंस करते हैं। तो अभी इसे सिलेक्टेड ही रखते हैं और इसे कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं। तो अभी इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे पेज से। तो ये भी सेंटर अलाइन हो चुका है। अभी फिर हम इलिप्स से यहाँ पे सेंटर से देखिए, यहाँ पे कोई सेंटर मार्क दिखाएगा जरूर। तो यहाँ पे ये सेंटर से क्लिक करेंगे और अल्ट शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। तो ये सर्कल क्रिएट कर लिया हमने। हालांकि इसका कलर अभी वाइट ही है, मैं कुछ और कलर दे देता हूँ ताकि हमें दिखे। और हमें अभी हाइड करना है ये जो पीछे के पैराग्राफिक
जो हमने क्रिएट किया हुआ है राउंड्स को, उसे हम हाइड करेंगे। तो मैं अब इसका वेट जो है बढ़ा लेता हूँ जितना हमें चाहिए। तो इससे ये कुछ वेट हमने बढ़ा लिया और थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इस सर्कल का साइज थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। तो ये बड़ा हो गया। तो अभी इस स्ट्रोक में हमें ग्रेडियंट फिल कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्ट्रोक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे एक ग्रेडियंट ऐड करेंगे। तो ये ग्रेडियंट अभी जो आया हुआ है वो लीनियर ग्रेडियंट है, पर हमें चाहिए अप्लाई ग्रेडियंट अलोंग द स्ट्रोक चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रोक में है इसे ये वाला सिलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन। तो ये सिलेक्ट करते ही तो ये स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ से एंड होता है तो ये उस पर अप्लाई होता है। तो अभी मैं जैसे इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए आपको मजा आएगा कि कैसे कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे अभी रेड कलर दूंगा, तो ये रेड कलर हो चुका है। तो इसे और कलर ऐड करेंगे यहाँ पे और उसे येलो दे देंगे, तो ये येलो हो चुका है। फिर से हम और एक ऐड करेंगे यहाँ पे और इसे सियान कलर दे देंगे और फिर से हम यहाँ पे और एक कलर ऐड करेंगे और अब हम इसे मजेंटा कलर दे देंगे और फिर ये जो लास्ट है ब्लैक उसे हम रेड कलर दे देंगे। तो ये हमें जो ग्रेडियंट चाहिए था वो हो चुका है। तो अब हम सीधे चलते हैं ट्रांसपेरेंट में और यहाँ पे देंगे मल्टीप्लायर। तो देखिए ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अभी बाकी के आउटर साइड में जो बैकग्राउंड के आउटर साइड में जो दिख रहा है उसे हम हाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को क्लिप मास्क करके। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से हार्डबोर्ड के साइज का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे स्ट्रोक दिख रहा है पर हम इसे फिल करेंगे, शिफ्ट एक्सप्रेस करेंगे तो वो स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से सेंटर अलाइन करते हैं और सिलेक्ट ऑल करते हैं, राइट क्लिक मेक क्लिप मास्क। तो ये बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। इस तरह से ये स्पायरोग्राफिक से बैकग्राउंड रेडी हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इसका फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है, और इसका कलर रखते हैं वाइट। तो ये कुछ फॉन्ट आ चुका है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट स्पायरोग्राफिक बैकग्राउंड, तो ऐसा कुछ मैंने टाइप कर लिया। इसे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं और अब हम यहाँ पे कुछ फॉन्ट चेंज करेंगे। हम फॉन्ट लेते हैं कॉपिंस फोल, तो ये हो गया इसका फॉन्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का फॉन्ट मैं रखूंगा पॉपिन रेगुलर और जो बैकग्राउंड है उसका भी रखते हैं रेगुलर। अब इसे भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल और टेक्स्ट के स्पेसिंग को कम करेंगे। तो ये कुछ स्पेस कम कर लिया मैंने और यहाँ पे इस फॉन्ट का भी जो साइज है वो हम थोड़ा कम करेंगे, अराउंड 30 रखेंगे और उसका टेक्स्ट बिटवीन स्पेसिंग बढ़ा देंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट करके आप बैकग्राउंड को और भी इफेक्टिवली बना सकते हैं। ये टेक्स्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे अभी इसे भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं प्रॉपरली। तो इस तरीके का बैकग्राउंड आप स्पायरोग्राफिक के टेक्निक से क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। और स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।